हमें पापा की कंपनी से जुड़े किसी शख्स को ढूंढ कर निकालना होगा। मैंने किसी से कह रखा है, कहीं से कुछ ना कुछ उम्मीद तो मिलेगी। हेलो, ठीक है। किसका फोन है, क्या कह रहा था? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना चलो। मैं जिस मरहले से गुजर रही हूँ, इस कैफियत को तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, मगर मेरी माँ तो बहुत सेल्फिश है। क्या वाकई माँ ऐसी भी हो सकती है जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसके लिए अभी से फैसला कर लिया एक माँ से पूछे बगैर? पासर। हाँ? बहुत घबराहट हो रही है मास्टर, फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ और आंटी को भी बोलता हूँ कि साथ चलती। प्लीज जल्दी मास्टर। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। वासिल बाबा बन गए हो और कासिम दाद दादा। मेरा बेटा कहाँ है? नर्सरी में है अभी, थोड़ी देर में नर्स लेकर आएगी। हाँ भाई, मुझे भी अपने पोते को देखने की बेचैनी है, दादा बनने की खुशी कुछ अलग है। और मुझे भूल गए आप लोग, इकलौती फूफो हूँ। दीजिए, मेरी तरफ से आप सब लोग मिठाई खाइए। अरे थैंक यू। अरे बाप को खिलाते हैं ना। भाई हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, मैं दादा बना हूँ, सोनिया दादी बन गई है, दिलशाद भी तो नानी बनी है। भाई तला भिजवाओ से, मिठाई भी भेजो। जी मैं फोन करता हूँ। नहीं नहीं बासिल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मुझसे या मेरे बच्चे से कोई खुशी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें, क्यों बताना है उन्हें? आप लोग मेरी फैमिली हैं, बस काफी। ठीक है, तुम परेशान मत, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। अरे हमारे प्यारे से गुड्डे का किसी ने कोई नाम भी सोचा है? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। आप अकलौती पप्पू हैं, आप नाम बताएंगे, बताएं क्या नाम रखे? तो फिर आज से हमारे प्यारे से शहजादे का नाम है अयान। अयान, मेरा अयान, हम सबका अयान। ओह
ओहो, आ गई बिटिया रानी अपने बाप को इंसाफ दिलाने। अगर याद रहे हार तुम्हारी होगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीता और कौन हारता। मैडम तुम तो खामोशी रहो नमक हराम मुलाजिम, तुम दोनों की हार होगी। बख्त के तख्त पर बैठ के अभी से जीत का जश्न मत मनाइए आंटी जी, जरा अपने आस पास भी नजर रखिएगा। गौर से देखिए, ये हैं हमारे पहले गवाह। शेख साहब आप यहाँ इनके साथ? क्या मतलब है ये गवाह है? जी इसलिए कि कुछ अनदेखे राजों पर से पर्दा उठाना था और कुछ बहुत पुराने हिसाब बराबर करने थे। ऐसा कुछ मत करना तुम जिसके लिए बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। Do you understand? कौन सा राज, कौन सा हिसाब किताब? दिमाग तो ठीक है आपका? इतनी भी क्या जल्दी है आंटी, चंद ही घंटों की तो बात है, थोड़ा हौसला रखिए। और दिलशाद आंटी, आप तो हमें शिकस्त के ताने दे रही थी ना, अब क्या हुआ? शेख साहब मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, आपको जो चाहिए ना मैं दूंगा, लेकिन आप इस लड़की की बातों में नहीं आएंगे। अच्छा तो फिर एक काम करो कि इस लड़की का बाप मुझे लौटा दो, फिर मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगे। Is that clear? जी, आइए। सॉरी आंटी, आप मेरी तरफ से अमल को ऑल द बेस्ट कहिएगा। अगर अयान की तबीयत ठीक होती तो मैं आपके साथ चलती कोर्ट। मुझे वैसे भी अमल से मिलना है, मिलके उससे माफ़ी मांगनी है। मेरे डैड ने जो कुछ भी किया है उसके साथ, मुझे उससे मिलके माफ़ी मांगनी है। हमें तुमसे कोई गिला नहीं है हानिया, लेकिन मेरे डैड ने जो कुछ बुरा किया है आप लोगों के साथ, पूरी जिंदगी मेरा सर झुका रहेगा आप लोगों के आगे। तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड। मुझे तो अब समझ आया कि डैड इटली में छुपे हुए क्यों बैठे हुए थे और मॉम ने सबको उनकी झूठी डेथ की खबर क्यों दी थी, ताकि वो ये केस दबा सके, ताकि किसी को पता ना चले। मेरी फैमिली ने इतना बड़ा गेम खेला है। तुम परेशान मत हो, अयान का ख्याल करो, अमल तुमसे खुद आकर मिलेगी। जरूर कहिएगा, मुझे अमल का इंतजार रहेगा। हाँ सोनिया चले, आप जाइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कोर्ट जा रहा हूँ, अमल अब अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ, आखिर मेरी बेटी है। अयान का ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना, मैंने पासल से कह दिया है कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। आपके पोते का अच्छा ख्याल रखो। चले।